श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला बैंक के कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। साथ ही सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए बताया कि किस तरह से कार्यक्रम को भव्य बनाने में सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं ने अभी अपनी बात रखी तो वही महिलाओं ने कलश यात्रा को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान कलश यात्रा को भव्य बनाने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि इस भव्य कार्यक्रम को आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होंगे तो वही सभी को आमंत्रित भी किया जाएगा। यहाँ पर श्री परिवार महायज्ञ समिति की ओर से यहाँ ये बैठक रखी गई है महिला मंडल की। इसमें हमारे यहाँ प्रतिवर्ष श्री माता पितामह बगलमुखी मैया का यज्ञ और शाम को कथा का प्रोग्राम रखा जाता है। इसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर ये इसके की रूपरेखा बनाने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है आज यहाँ पर। इसमें हम कलश यात्रा में कितने कलश निकालने हैं, किस प्रकार से हमें उसमें व्यवस्था रखनी है, उसके विषय में चर्चा की जा रही है। और शाम को और किस तरह का हमें इसमें संचालन करना है। इस वर्ष हमारे यहाँ 25वां वर्ष है, तो हम सोच रहे हैं कुछ विशेष करें, उसी के विषय में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और इस वर्ष श्री वेदांती जी महाराज का यहाँ पर प्रवचन है, कथा है उनकी। तो हमारी सभी नगरवासियों से, सभी अपनी माताओं बहनों से, धर्म प्रेमियों से यह अनुरोध है कि वो सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर हमारे इस यज्ञ की शोभा को बढ़ाएं, शोभा यात्रा में अधिक से अधिक भाग लेकर इसकी शोभा को बढ़ाएं। जय माता।